रायगढ़ जिले में भ्रष्टाचार का आलम इस कदर छाया है कि सड़क की गुणवत्ता को पूरी तरह से दरकिनार करके ठेकेदार अपनी जेब भरने में लगे हैं। जब मामला बढ़ा तो पार्षद के नेतृत्व में सड़क खोदी गई तो गिट्टी की जगह निकली मिट्टी। जी हाँ, कई अरसे से जर्जर हो चुकी वीआईपी सड़क को जीर्णोद्वार करने की स्वीकृति मिली है। इस सड़क पर निर्माण के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। प्रशासन के इस हरकत से लोगों में खासा आक्रोश है। आक्रोशित लोग शनिवार की सुबह सड़क पर पहुंचे और विरोध करने लगे। विरोध के बीच जब सड़क खोद कर देखा गया तो यहां से गिट्टी के बजाय मिट्टी निकलने लगी। लोगों की नाराजगी देखते हुए मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी वहां से गायब हो गए। ऐसे में लोगों ने निर्माण कार्य बंद करा दिया। पार्षद ने मीडिया को बताया, विभाग द्वारा बनाया जा रहा सड़क बनाने के नियमों की अनदेखी की जा रही है। गिट्टी की जगह मुरुम और मिट्टी डालकर गुणवत्ताहीन सड़क बनाया जा रहा है। हम लोगों ने काम बंद करवाया। अब हम जिला प्रशासन से जाकर इस सड़क निर्माण की जाँच की मांग करेंगे और साथ ही सड़क की गुणवत्ता का भी ध्यान देंगे। सड़क निर्माण जो हो रहा है पीडब्ल्यूडी के द्वारा करवाया जा रहा है। 10,14,18,000 का यह रोड है, जिसमें 1 फीट गड्ढा खोद करके ऊपर डामर सिलाई करने के बाद 1 फीट गड्ढा खोदना था। 1 फीट गड्ढा खोदने के बाद 6 इंच मुरुम डाल करके पानी से इसको लेवलिंग करना था। उसके बाद 3 इंच 80 mm गिट्टी डाल करके इसको दबाव करना था। उसके पश्चात 3 इंच 40 mm गिट्टी डाल करके इसमें रोड में उसमें बेलन चलाना था। उसके बाद डामरीकरण जो है उसकी प्रक्रिया चालू होगी, परंतु ठेकेदार के द्वारा ऊपर में डामर जो बिछा था उससे ही छीला गया है और उसको छीलने के बाद DPC किया जा रहा है, जो एक घटिया निर्माण के अंतर्गत आता है। और ये पहले चरण में 14 से 16 लाख के लगभग का गमन ठेकेदार के द्वारा और PWD के इंजीनियरों के द्वारा गमन किया गया है, जो स्पष्ट है। यहाँ पर हम JCB से खुदवा करके देखे हैं इस रोड को। इसमें किसी प्रकार से इनके द्वारा कोई बेस का कार्य नहीं किया गया है। साथ ही इनके द्वारा दोनों क्षेत्र में नाली का निर्माण होना है। आप दिखा सकते हैं जनता को आपके मीडिया के माध्यम से कि यह नाली जमीन में बनना चाहिए, जो जनता का काम है और पहाड़ के पानी को रोक सके, परंतु जो नाली का निर्माण हो रहा है वो आसमान में हो रहा है। अब न जाने वो किसके लिए निर्माण हो रहा है। प्रति वर्ष पहाड़ का पानी इतनी तेज गति से आता है, कई लोगों को घर का बर्बाद कर देता है, राशन पानी बर्बाद कर देता है, कपड़ा बर्बाद कर देता है, जिसको लेकर के हमारे इस वार्ड की महिला, जागरूक महिला और लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया था। नगर निगम में हमने पार्षद होने के नाते ज्ञापन दिया था, जिसके तहत इस रोड के निर्माण के लिए कलेक्टर ने DMF फंड से पैसा जारी किया है, परंतु PWD के अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार की मिली भगत से जनता को सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। सही रोड का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसके चलते आज रोड में उतर करके हम क्षेत्रवासी इसका विरोध कर रहे हैं। For more information, log on to www.clips.in.